स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल टेस्ट के फुल फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनके फुल फॉर्म के बारे में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप एटलीस्ट कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जिनके फुल फॉर्म के नाम जान पाओगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, ताकि मैं उसका पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर लेके आऊँ, जिससे आपको सारे टेस्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही दबाओ बेल आइकन को, एंड सारी नोटिफिकेशन जो है आपको एक बेल का आइकन दिखा उसे हिट कर दो सारे नोटिफिकेशन के लिए। एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड सैटरडे नया वीडियो आता है, कोई भी वीडियो मिस ना करो, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और सारी नोटिफिकेशन इनेबल कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आज मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 फुल फॉर्म्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले एबीजी पे नज़र डालेंगे। एबीजी जो है उसका फुल फॉर्म है आर्टीरियल ब्लड गैस। इनका ये मतलब है कि आपका जो ब्लड है, यू मे हैव एन एबीजी टेस्ट ड्यूरिंग दी लंग डिजीज। यहाँ पे आपका जो ब्लड होता है, यहाँ पे आपका जो ब्लड है उसमें गैसेस जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें रहेगा नाइट्रोजन और वो सारे जितने भी गैसेस हैं वो यहाँ पे मेजर होके आपको मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सारे गैसेस का यहाँ पे पता चलता है। ब्लड का पीएच भी जो है वो यहाँ पे पता चल जाता है। उसके बाद जो है एड्स, उसका जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जो वायरस है जिसकी वजह से ये होता है। तो ये डिजीज़ एड्स का, हमने एड्स तो सुना होता है लेकिन उसका फुल फॉर्म हमें कभी नहीं पता होता है। उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट जो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, अ मेजर ऑफ हाउ मच यू शुड वेट एज पर योर हाइट। आपकी जो हाइट होती है, आपका जो जेंडर होता है उसके बेसिस पे आपका वेट क्या है वो जो है टेस्ट, उसे कहा जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट जो है वो है ब्लड प्रेशर, द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज। जो हार्ट, आप सभी को पता है हार्ट का जो काम है वो होता है पंपिंग। हार्ट ब्लड को पंप करता है, जो प्रेशर से वो पंप करता है बेसिकली वही प्रेशर है ब्लड प्रेशर। वही प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो आर्टरीज में आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद जो है वो है CABG। यहाँ पे CABG का फुल फॉर्म है कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो ये है ओपन हार्ट सर्जरी। यहाँ पे अगर इसका फुल फॉर्म हमारे ध्यान से पढ़ोगे कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, तो यहाँ पे हमारा जो हार्ट है, यहाँ पे मैं हार्ट को सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ये राइट साइड वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बार मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता रहे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हार्ट के चैम्बर के बारे में पता नहीं और वीडियोस बना रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है इसलिए मैं हार्ट की फिगर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चार सेक्शंस होते हैं, जो मेन ब्लड हार्ट के अंदर आता है जो प्योरीफाई नहीं होता है वो कॉरोनरी आर्टरी थ्रू आता है। तो कॉरोनरी आर्टरी अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को बाईपास करने वाली जो प्रोसीजर है उसे कहा जाता है CABG। उसके बाद जो है CAD, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज़ है। उसके बाद जो है कैट, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, ये एक एक्सरे का प्रकार है जो सिटी में भी हो सकता है, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। उसके बाद जो है वो CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब CBC अगर आपको नहीं पता है क्या है तो CBC के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपने वो वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिलेगी। CBC के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है सबसे पहले जो है वो है ECG एंड EKG, जो दोनों जो है वो एक ही है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ECG की। तो ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
अब यहाँ पे इसके दो फुल फॉर्म्स निकल के आते हैं, अगर आप बात करो एक रहेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा रहेगा ग्राफी। जो ग्राफ मिलता है कार्डियोग्राम कहा जाएगा, प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसके बाद जो है वो है इको। अब इको का फुल फॉर्म है इको कार्डियोग्राम, अ टेस्ट दैट यूज साउंड वेव्स टू लुक एट द हार्ट। यहाँ पे हार्ट की जो इमेज होती है वो साउंड वेव्स से देखी जाती है। अब यहाँ पे साउंड वेव्स कैसे, तो उसके लिए आपको यूएसजी वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है एक बार वो वीडियो ज़रूर से देखें। उसके बाद है ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। अब ईईजी जो है वो हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिक सिग्नल को मेज़र करने के लिए होने वाला टेस्ट है। इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, ऑलमोस्ट 230 वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे एक बार ज़रूर से देखो, कि सभी वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे ईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। उसके बाद जो यहाँ पे है वो है ईएमजी, उसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोमायोग्राम, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमायोग्राफी। यहाँ पे कुछ जगह पे आपको ग्राफी देखने को मिलेगा, कुछ जगह पे आपको ग्राम देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि वो क्या है। अगर वो ग्राम रहेगा तो ग्राफ है, रिजल्ट है। जब ग्राफी रहेगा तो उसका ये मतलब है कि ये प्रोसीजर है। उसके बाद ईएनटी है। ईएनटी जो है ये एक डिपार्टमेंट का भी नाम हो जाता है, डॉक्टर के आगे भी लग जाता है कि ईएनटी वाला डॉक्टर है। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है ईयर नोज थ्रॉट। ईयर कान, नोज मीन्स नाक एंड थ्रॉट मीन्स गला। तो ये तीन चीज़ों का जो डॉक्टर है उसे ईएनटी कहा जाता है। उसके बाद जो है वो है ईआरसीपी। ईआरसीपी का फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रेक्टोग्रेड कोलोनोजियोपैनक्रियाटोग्राफी। अब ये जो फुल फॉर्म है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एंडोस्कोपी रेक्टोग्रेड कॉलन, सॉरी ये मुझे पढ़ने के लिए मुझे भी प्रॉपरली इसे पढ़ना पड़ेगा, कॉलनजियोपैनक्रियाटोग्राफी। अ वे टू डायग्नोस प्रॉब्लम्स इन लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड पैनक्रियास। तो ये जो प्रोसीजर है ईआरसीपी बेसिकल इसलिए होती है कि अगर लीवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर पैनक्रियास में, तो उसे प्रॉपरली डायग्नोस किया जा सके। उसके बाद जो है वो है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, अगेन वायरस दैट कॉजेस एड्स। तो ये एचआईवी एक वायरस है, वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और जिसकी वजह से जो कर्ज जो प्रॉब्लम होता है वो होता है एड्स। उसके बाद जो है वो एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक जिसे कहा जाता है वही है। उसके बाद है MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने समझाया है कि MRI काम कैसे करता है, MRI CT के बीच में क्या डिफरेंस है, MRI में डर लगता है तो क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें ये वीडियो बहुत सारे वीडियोस में मैंने कवर किया। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ विजिट टू माई आप चैनल विजिट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पैट, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये जो प्रोसीजर है वो जो है वो कैंसर डायग्नोस करने के लिए है। कैसे पैट होता है उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो है, अगर आपको देखना है, अगर आपको पैट के बारे में ज़्यादा जानना है प्लीज़ विजिट माई चैनल, आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे। दैन दी PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है। बेसिकली जब आप सांस ले रहे हो अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए जिस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है उसका जो नाम है उसे कहा जाता है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जो हमारा ब्लड होता है, ये जो ब्लड है हमारा वो बॉडी के अंदर तो बॉडी टेम्परेचर पर रहता है, लेकिन बॉडी से जब बाहर आता है, मान लीजिए कोई कट लग गई है बॉडी में और अब ब्लड फ्लो हो रहा है, तो एक समय के बाद वो उसमें क्लॉट हो जाता है। तो ये जो क्लॉटिंग का टाइम होता है उसे कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसमें का मतलब है कि ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लगता है। द नेक्स्ट पार्ट इज RBC, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट पार्ट TSH, थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स, TSH के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। द लास्ट वन इज WBC, वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो बॉडी के शॉर्ट फॉर्म थे, कुछ ऐसे जो थे वो टेस्ट के शॉर्ट फॉर्म थे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है,
मैं ईच एंड एवरी सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 20 शॉर्ट फॉर्म्स, मेडिकल शॉर्ट फॉर्म्स आप कंसिडर कर सकते हो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मेडिकल पैरामीटर्स भी आएंगे, मेडिकल टेस्ट के शॉर्ट फॉर्म्स भी आएंगे, ताकि आपको वो चीज़ें समझने में आसानी हो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपको सिर्फ एक करना है, लाइक और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ और उसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बहुत जल्दी लेके आ सकूँ। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप सभी को बताएगा, आपको करना है एक लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, अगर अभी तक नहीं किया है तो वेट मत करो, सब्सक्राइब कर दो, साथ ही दबा दो बेल आइकन को, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे, एवरी सैटरडे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आता हूँ। जल्दी से आपसे एक फ्रेश कॉन्टेंट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।